हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन नव भारती फैमिली वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। आवर रनिंग चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के आधारभूत तत्व, साझेदारी का परिचय। इसके अंदर वीडियो नंबर 7, टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। साझेदारों की पूंजी के ऊपर ब्याज फर्म के द्वारा दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स ऑन देयर इन्वेस्टेड कैपिटल। व्हाट आर द मेथड्स, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट द IOC? What's the accounting treatment of IOC in the partnership firm, etc. All these points we will discuss today. First of all, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, interest on capital is expenses. Expenses for the firm. Firm के लिए क्या है? पूंजी पर ब्याज खर्चा है। That's why it is shown in the debit side of P&L appropriation account. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account के बारे में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, दिस साइड डेबिट साइड एंड दिस साइड क्रेडिट साइड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे? यहां पर लिखा जाएगा टू IOC ए और बी। सपोज ए को पूंजी के ऊपर ब्याज 6,000 रुपये दिया और बी को पूंजी पर ब्याज 4,000 रुपये का दिया, तो टोटल फर्म के लिए खर्चा कितने रुपये का हो गया? 10,000 रुपये का। पॉइंट नंबर 1, IOC इज एक्सपेंसेस फॉर ए पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड, द सेम IOC इज द इनकम फॉर ए पार्टनर। पार्टनर के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है? इनकम फॉर ए पार्टनर। साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इसलिए ये उसके लिए इनकम है। और कैपिटल अकाउंट्स के अंदर व्हेन वी विल प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दिस कॉलम स्टैंड्स फॉर ए एंड दिस फॉर बी। सेम इन द डेबिट साइड ए एंड बी। ए को पूंजी पर ब्याज कितना मिला? 6,000 रुपये का। पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए इनकी क्रेडिट साइड के अंदर ये पैसा इनके अकाउंट के अंदर जमा कर देंगे, तो बाय IOC। IOC ए का कितना है? 6,000 रुपये और बी का कितना है? 4,000 रुपये। इस तरह से IOC की अकाउंटिंग की जाती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि IOC को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाना है और सेम IOC को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है, जमा करना है। IOC, हाउ द IOC इज कैलकुलेटेड, देर आर टू मेथड्स। आई विल try my best to make you understand both of the methods. करिए फिर students, there are two methods for the calculation of interest on capital, interest on partners capital. First method is known as simple interest method. पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करने की
साधारण विधि. When this method is adopted, इस मेथड से IOC का कैलकुलेशन कब करेंगे? Listen carefully. Whenever no additional capital is introduced by the partners during the year or capital withdrawn by the partners, this method is adopted. For example, A and B started a business on 1st July 2020. 1 जुलाई 2020 को ए ने और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. ए ने 1 जुलाई 2020 को 5 लाख रुपए की कैपिटल फर्म के अंदर लगाई और बी ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई. फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री विल बी पास्ड कैश और बैंक अकाउंट DR टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल. अकाउंटिंग ईयर इज 2020 एंड 21, यानी कि ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2020 को ये ईयर स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को इसकी एंडिंग होगी. मैंने इस एग्जांपल के अंदर कौन सा ईयर लिया है? कैलेंडर ईयर नहीं लिया है, मैंने लिया है फाइनेंशियल ईयर. जनरली द फाइनेंशियल ईयर इज adopted in the partnership firm and in the case of companies. Question ko dhyan se dekhenge. IOC ka rate kitna hai? IOC is given by the firm at the rate of 12% per annum. Saal bhar ke andar inhone koi additional capital nahi lagai aur na hi kisi partner ne capital wapas nikali hai, to iska hum IOC kaise calculate karenge? इसका IOC कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द IOC विल बी गिवन बाय द फर्म. 1 जुलाई 2020 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एंड क्लोजिंग डेट विल बी 31 मार्च 2021. 31 मार्च 2021 को खाते बंद किए जाएंगे. तो फर्म ने जो पैसा यूज किया, जो कैपिटल यूज की 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च, 1 जुलाई है, 31 जुलाई नहीं है, जुलाई का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च 31, 2021. सो वी विल कैलकुलेट द IOC फॉर द 9 मंथ्स. 9 महीने के लिए अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल मेथड के अंदर IOC इज इक्वल टू, आप लोगों ने 7th-8th क्लास के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको क्या बोलते थे, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. यहां पर अपन IOC कैलकुलेट कर रहे हैं, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट की जगह हम फिगर कौन सा लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर. कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पार्टनर इंटू रेट, रेट ऑफ IOC अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12 मंथ्स. इस फॉर्मूले से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इसी इंटरेस्ट को अपन विदाउट फॉर्मूले के भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये कैलकुलेट करने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा. IOC फॉर द ए के लिए IOC कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए वाज ₹5 लाख. ए ने कैपिटल कितनी लगाई? 5 लाख रुपए. इस कैपिटल की जगह मैं कौन सा फिगर रखूंगा? 5 लाख. कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इनटू रेट, रेट ऑफ IOC इज 12%, परसेंट मीन्स 100. सो रेट अपॉन 100. और अपन को कितने समय के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 9 मंथ्स के लिए. सो टाइम इज इक्वल टू 9 मंथ्स अपॉन 12. आ रहा समझ में? 12 कैंसिल
00 कैंसिल, 5000 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 45,000। ए को जो फर्म ब्याज देगी वो कितना ब्याज देगी? 45,000 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देगी। इसी इंटरेस्ट को यदि अपन विदाउट फॉर्मूले के कैलकुलेट करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल, इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई? एक ही कैपिटल थी 5,00,000 रुपए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द 1%। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 1% पॉइंट आफ्टर टू डिजिट्स, सो 1% इज 5,000 एंड सो IOC एट द रेट ऑफ 12% मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000। साल भर का इंटरेस्ट कितना बना? 60,000 बना। अब अपन को 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 9 मंथ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स, 12 5 जा एंड 5,000 9 जा 40 5,000 आंसर। इस तरह से अपन डायरेक्ट भी IOC कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से बी का IOC कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी वॉज ₹3,00,000। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला IOC इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12 मंथ्स। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी वॉज ₹3,00,000। IOC की रेट क्या है? 12% पर एनम है, 12% अपॉन 100 इंटू टाइम 9 मंथ्स, और इन 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, 27,000 आंसर। विदाउट फॉर्मूला यदि कैलकुलेट करना हो तो 1% कितना हो गया? 3,000। 12% कितना हो गया? 12 3 36,000। और अपन को IOC कैलकुलेट करना है 9 मंथ्स का, तो 9 upon 12 12 3 जा 3,000 multiplied by 9 27,000। आई हैव एक्सप्लेन्ड बोथ द मेथड्स विद द फॉर्मूला एंड विदाउट द फॉर्मूला, चॉइस इज योर्स स्टूडेंट्स। जो तुमको तरीका अच्छा लगे आप इससे IOC कैलकुलेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, सेकेंड मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ IOC इज द प्रोडक्ट मेथड, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं गुणनफल विधि। गुणनफल विधि से साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब कैलकुलेट किया जाता है? जब वर्ष के दौरान पार्टनर कभी एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं और कभी कैपिटल को वापस निकाल देते हैं, तो वी शुड कैलकुलेट द IOC बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। दो पार्टनर हैं, ए है और बी है। अब की बार मैं कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ, कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st January एंड क्लोजिंग डेट विल बी द 31st December ऑफ ईच ईयर। 1 जनवरी 2020 को ए ने 10,000 रुपये की कैपिटल लगाई और बी ने 8,000 रुपये की कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। कुछ समय बाद में 31 मार्च को ए ने अपनी कैपिटल में से 3,000 रुपये की कैपिटल वापस निकाल ली, ब्रैकेट मीन्स माइनस फिगर, नेगेटिव फिगर। और इसी डेट को बी ने 2,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। 1 अक्टूबर को ए ने फिर 2,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल लगा दी और बी ने न तो एडिशनल कैपिटल लगाई और न ही कैपिटल विड्रॉल करी। द लास्ट डे ऑफ द ईयर 31st December 2020, 31 दिसंबर 2020 को अकाउंट्स की क्लोजिंग होगी। 31 दिसंबर 2020 को ए ने अपनी कैपिटल में से वापस 1,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 1,500 रुपये की कैपिटल वापस निकाल ली।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कभी साझेदार एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी लगा देता है या किसी कारणवश अपनी पूंजी वापस निकाल लेता है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन IOC कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर IOC का जो फॉर्मूला है, IOC इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स गुणनफलों का योग इनटू रेट रेट ऑफ IOC अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12 मंथ्स, और यदि डेज के अंदर कैलकुलेट करना है तो और 365 डेज, ये इसका फॉर्मूला होगा IOC के लिए, ये फॉर्मूला। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन टाइम कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग डेट इज 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को ईयर एंड हो रहा है। 1 जनवरी को ए ने 10,000 रुपये की कैपिटल लगाई, तो फर्म ने इस कैपिटल को कितने पीरियड के लिए यूज़ किया, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक पूरे 12 महीने के लिए यूज़ की। द कैपिटल वॉज यूज्ड बाय द फर्म फॉर द 12 मंथ्स, तो मैं इसको 12 से गुना कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। और इसी तरह से सेम डेट 1 जनवरी को बी ने 8,000 रुपये की कैपिटल लगाई है, तो ये कैपिटल भी फर्म ने कितने टाइम तक यूज़ करी, 12 महीने के लिए यूज़ करी है, तो मैं इसको भी किससे गुना करूँगा, 12 से गुना करूँगा। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट डेट इज 31 मार्च, 31 मार्च 2020 को इसने 3,000 रुपये की कैपिटल वापस निकाल ली और इसने 2,000 रुपये की कैपिटल ऐड कर दी। ऐड मीन्स एडिशनल कैपिटल माइनस या ब्रैकेट, मतलब इन्होंने कैपिटल वापस निकाल ली। अगेन वी विल कैलकुलेट द टाइम फॉर दिस डेट फ्रॉम 31 मार्च टू 31 दिसंबर 2020। मार्च का महीना खत्म हो चुका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 31 दिसंबर 2020 तक 9 मंथ्स, सो मल्टीप्लाइड बाय 9 मंथ्स। और यहाँ पर भी कितने महीने आएंगे, 31 मार्च से 31 दिसंबर तक, यहाँ पर ही 9 मंथ्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट डेट इज 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को इसने एडिशनल कैपिटल ए ने 2,000 रुपये की लगा दी। इसने कुछ भी नहीं किया, न तो कैपिटल निकाली और न ही एडिशनल कैपिटल लगाई। तो अगेन वी विल कैलकुलेट द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि डेट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुई है, तो अक्टूबर का पूरा महीना हो गया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 31 दिसंबर, तो हाउ मच मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स। नेक्स्ट डेट इज 31 दिसंबर, लास्ट डे 31 दिसंबर 2020 से और 31 दिसंबर 2020 तक कितना टाइम होगा, 0, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तो मल्टीप्लाइड बाई 0, और यहां पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 0। अब अपन इनका प्रोडक्ट लेंगे, स्पेस इज लिमिटेड, सो मैं इनका जो प्रोडक्ट ले रहा हूं, इनका जो गुणनफल ले रहा हूं, इस लाइन के नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 को 12 मंथ से, तो 12 को मल्टीप्लाई करूंगा, 12 टेंजा 1,20,000 रुपए, 9 थ्रीजा 27, 9 तिया 27,000 रुपये माइनस है तो माइनस का साइन और प्लस है तो प्लस का साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 टू जा 6,000, 6,000 रुपये प्लस के 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने ए के प्रोडक्ट्स ले लिए, और इसी तरह से बी के प्रोडक्ट्स अपन लेंगे, 12
को 8000 से गुना करेंगे, 12 जा 96,000, 9 जा 18,000 प्लस का साइन है तो प्लस का ये प्लस आ जाएगा। देन हेयर नथिंग, न तो कैपिटल निकाली है और न निकाली है डैश। 1500 को 0 से गुना करेंगे तो 0, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आएगा, 0, 6 और 8 14 का 4, 1 और 1 2 और 9 11, 1,14,000 रुपए इसका प्रोडक्ट आ गया। इसका प्रोडक्ट का टोटल लेने के लिए प्लस प्लस ऐड कर देंगे, प्लस क्या क्या है, 1,20,000 और प्लस का 6,000, तो प्लस का कितना हो गया 1,26,000, 1,26,000 रुपये के अंदर से 27,000 रुपये माइनस का फिगर है, इस 27,000 रुपये को अपन माइनस कर देंगे तो 0, 16 में से 7 गए तो 9 और 11 में से 2 गए तो 9, 99,000। प्रोडक्ट किसका आया, ए का। ए का जो प्रोडक्ट आया वो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ए का आया 99,000 और बी का कितना आया 1,14,000। अब अपन आईओसी कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ए, ए के गुणनफलों का योग कितना है 99,000। सपोज द रेट ऑफ आईओसी, आईओसी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाना है। कैपिटल कभी निकाल ली, कभी एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो वी कांट अप्लाई द सिंपल इंटरेस्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ए के लिए मैं आईओसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज 99,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट वॉज 6% पर एनम, 6/100 इंटू 1/12 months। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या था, टाइम अपॉन 12, और यहाँ पर अपन क्या लेंगे 1/12। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या था, कैपिटल इन्वेस्टेड, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, 00 कैंसिल 6, 2 जा 2, 4 जा 1, 2, 9 जा 1, 2, 5 जा 495। इसको क्रॉस चेक करेंगे, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 5 = 10 की 0, 1, 2 × 9 = 18 और 1 × 19 का 9, 1 × 2 = 8 और 1 = 9, ये 990। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 495 आंसर। इसी तरह से बी के लिए अपन आईओसी कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बी का क्या था, 1,14,000 अप्लाई करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,14,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% / 100 इंटू 1/12। 00 कैंसिल हो गई, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 2 से इसको काटा, 2 × 5 = 10, 1 बचा, 2 × 7 = 14, 1 = 0 और इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, 570 रुपये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको ब्याज दे देगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर अपन ने आईओसी कैलकुलेट करने के बारे में 2 मेथड देखे। फर्स्ट मेथड सिंपल इंटरेस्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है, जब पार्टनर्स के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल न तो इंट्रोड्यूस की जाती है और न ही कैपिटल वापस निकाली जाती है। प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं, जब पार्टनर्स के द्वारा कभी एडिशनल कैपिटल लगा दी जाती है और कभी कैपिटल वापस निकाल ली जाती है। टाइम सेविंग मेथड है, अपन इसी क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपन को अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यदि एडिशनल कैपिटल लगाई जा रही है या निकाली जा रही है तो आप क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को रुचि लेकर देखा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत
धन्यवाद।